हेलो दोस्तों, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं क्रिकेट दिल से। तो जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि भारत ने न्यूजीलैंड के विरुद्ध 1956 में टेस्ट सीरीज को 2-0 से जीता। भारत धीरे धीरे क्रिकेट में आगे बढ़ रहा था, लेकिन 1956 के बाद भारत का क्रिकेट का सफ़र आसान नहीं रहा। 1956 से लेकर के 1960 के बीच में जितनी भी टेस्ट श्रृंखलाएँ खेली गईं, भारत ने श्रृंखलाओं में हार का सामना किया। 1959 में इंग्लैंड के विरुद्ध एक 5 मैचों की सीरीज खेली गई, जिसमें भारत को 5-0 से हार का सामना करना पड़ा। इस तरीके से भारत ने काफ़ी बुरा दौर भी देखा, लेकिन सन 1961-62 एक बार भारत को फिर से इंग्लैंड के विरुद्ध 5 टेस्ट मैचों की श्रृंखला खेलने का मौका मिला। इस श्रृंखला को भारत ने 2-0 से जीतने में सफलता हासिल की। भारत ने 3 टेस्ट मैचों को ड्रॉ कराया और 2 टेस्ट मैचों को जीतने में सफलता हासिल की। इस तरीके से भारत धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ रहा था। सन 1962 से लेकर के 1967 तक भारत ने अनेकों टेस्ट श्रृंखलाएं खेली, लेकिन किसी में जीत हासिल नहीं हुई। लेकिन भारत ने उन श्रृंखलाओं को ड्रॉ कराने में सफलता हासिल की। ये समय भारत को क्रिकेट खेलते हुए लगभग 35 साल हो चुके थे, लेकिन भारत ने विदेशी सरजमीं पर एक भी टेस्ट मैच नहीं जीता था। तो भारत को सन 1968 में न्यूजीलैंड 4 टेस्ट मैचों की श्रृंखला खेलने का मौका मिला। इन 4 मैचों की श्रृंखला को भारत ने 3-1 से जीत लिया। तो ये वो समय था मंसूर अली खान पटौदी की कैप्टनसी में, जहां पर भारत ने विदेशी सरजमी पर भी क्रिकेट मैचों को जीतने का सिलसिला शुरू कर दिया था। यहां के बाद सन 1970 में अजीत वाडेकर भारत के नए कप्तान बनते हैं और भारत के क्रिकेट का एक नया गोल्डन एरा स्टार्ट होता है, क्योंकि यहां से सुनील गावस्कर और गुंडप्पा विश्वनाथ जैसे धुरंधरों की भारतीय क्रिकेट में एंट्री होती है। तो अभी तक के पिछले 3 वीडियो